एक और मैं प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। देखो यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे कि मेरे पास जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया ना, ये बेसिकली यहाँ पर देखो अलग से तुम लोग के पास ये आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। ये वाले इन्फॉर्मेशन कैसे आती है नेचुरल, ये बता रही हूँ मैं। हम इसकी प्रॉपर्टीज में गए, पैनल की बॉर्डर में गए, बॉर्डर में जाके टाइटल बॉर्डर में जाकर इसका टाइटल सेट करना है। यहाँ पे मैं दे देती हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके यहाँ पे मैंने डन कर दिया और क्लोज कर दिया। ये देखो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। कैसे गई मैं, प्रॉपर्टीज में गई राइट, बॉर्डर की प्रॉपर्टी को मैंने ऑन किया, उसके अंदर क्या अवेलेबल बॉर्डर्स मेरे पास बहुत सारे थे। टाइटल बॉर्डर में गई कि मेरा जो बॉर्डर है उसका टाइटल इन एक्चुअल मुझे क्रिएट करना है, और उसका मैंने पर्टिकुलर टाइटल रख दिया, दैट्स इट। और इसको ओके करके यहाँ से क्लोज कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एक टाइटल, एक मेरे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो लॉग इन फॉर्म है, ये लॉग इन फॉर्म मेरे पास कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, वो जो मैंने डमी फॉर्म बनाया ना उसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फॉर्म को विजिबल करवा दूंगी। तो इन एक्चुअल मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको चला के दिखा देती हूँ तुम लोगों को। ये वाला फॉर्म था सही है, यहाँ अस्मा 1 2 3 4 5 लॉग इन करा, लॉग इन सक्सेसफुली, और ये मेरा डमी फॉर्म आ गया मेरे पास सही है। ये मैं तुम लोग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग प्रोजेक्ट के अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रैंडमली स्विचिंग करोगे, तो मैंने इसलिए ये फंक्शनैलिटी तुम लोग को बता रही हूँ। हम क्या दिखाने जा रहे हैं, डिजाइन में जाके मुझे मेन्यू बार ऐड करना है, ओके। अब यहाँ पर देखो हमने दो चीज देख ली, हमने एक कंटेनर देखा है पैनल का, स्विंग के हमने कंट्रोल्स देखे हैं, लेबल बटन टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड का, ओके। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, स्विंग का मेन्यू देने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेन्यू बार जस्ट ऐड कर दूंगी, मेन्यू बार आ गई। अब इस मेन्यू के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मेन्यू अगर मैं अब इसको चला के दिखाऊं ना तुम्हें, तो ये मेन्यू जो है ना सिर्फ डमी है, मैं क्लिक करती रहूंगी कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे इन एक्चुअल क्या करना है, जब मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास पूरा एक पैनल खुलकर आता है ना, तो इसमें मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे अपने मेन्यू के अंदर आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा राइट। तो मैं कैसे ऐड करूंगी, मैं इसमें मेन्यू आइटम डाल दूंगी, मेन्यू आइटम में डाल दूंगी, और मैं ये मेन्यू आइटम एक और डाल देती हूँ, वो बाहर चला गया, अंदर ही डाल देते हैं इस मेन्यू में। ये मेरे पास दो मेन्यू आइटम्स आ गए, ओके। इसका नाम मैं डाल देती हूँ, इसका नाम मैं चेंज कर लेती हूँ, इसमें मैं रख देती हूँ एक एग्जिट, एक एग्जिट है, और दूसरा मेरे पास क्या रखे भाई, दूसरे में क्या होना चाहिए, एंटर, न्यू, न्यू से क्या करेंगे हम, न्यू वो क्रिएट कर ले मैम, वो नई विंडो खोल देगा फॉर सपोज। चलो सही है, चलो ये चीज नहीं ट्राई कर लेता हम, ओके लेट्स सी कि हम क्या करने जा रहे हैं। एग्जिट पे मुझे क्या करना चाहिए, एग्जिट पे क्या कोड आना चाहिए भाई, माइक खोल के बताना, कि मेरा सिस्टम, मेरा जो फॉर्म है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। उसके लिए मैं क्या कोड करूंगी, सिस्टम सिस्टम डॉट डॉट एग्जिट डॉट एग्जिट, क्या करूंगी इसको, मेरा जो सिस्टम है उसको एग्जिट हो जाए, किससे, जीरो जीरो सिस्टम्स लिख दिया ना मैंने, ये अभी तो वो नहीं दे रहा, सिस्टम डॉट एग्जिट, इसको जीरो से मैं एग्जिट करा। मुझे किसी भी, मतलब मुझे अपने डे फ्रेम को वो करना है ना, टर्मिनेट करना है, एग्जिट करना है, तो मैं सिर्फ एक वन लाइनर कोड लिखूंगी, सिस्टम डॉट एग्जिट, इससे क्या हो जाएगा, जीरो का मतलब ये होगा, नहीं जीरो का मैंने जस्ट रैंडम नंबर दिया कि इट्स ऑलवेज ट्रू। इसको यहाँ पर कुछ मुझे इसका आर्गुमेंट मुझे देना होता है, इसका स्टेटस देना है, अगर इसका जीरो स्टेटस होगा ना तो वो मुझे एग्जिट कर देगा। इसका ये कोई कोड है, मैंने इतनी डिटेल नहीं देखी कि कौन सा कोड था और कैसा कोड है, इतनी मुझे नहीं, मुझे सिर्फ फंक्शनैलिटी निकालनी है, दैट्स इट, ओके। चला के दिखा दूं कि भाई चल भी रहा है या नहीं, यकीन आ जाए कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया, लेट्स सी, फाइल एग्जिट बंद, चल गया, अपने पास इम्प्लीमेंट कर लो इस चीज को जल्दी से, एग्जिट के कोड को डाल लो। न्यू में मैं क्या करूं कि न्यू फॉर्म क्रिएट हो जाए, मैम इसी फॉर्म को कॉल करवाएंगे, न्यू में हम या न्यू तो नहीं कहेंगे हम, न्यू में मैं एक, मुझे क्या करना पड़ेगा,
न्यू फॉर्म हम यहाँ से कैसे बना सकते हैं अगर देखा जाए तो? न्यू फॉर्म हम GUI से कैसे बनाएंगे? हम लोगों को तो हमेशा बैक एंड से बनाना है. हम ये कर सकते हैं, हम कोई और फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं. नहीं, अब हम ये ऐड करेंगे, हम इसमें डिजाइन में ना यहाँ पर एक और मेन्यू आइटम ऐड करने जा रहे हैं एडिट में. फॉर सपोज इस एडिट का नाम मैं बदल दूं, इसके एडिट का नाम मैं चेंज कर रही हूँ, इसका टेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये दे रही हूँ अबाउट अस का दे देता हूँ. सही है, अबाउट अस. जिस तरह आप लोगों ने देखा ना कि हमारे पास होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं कि भाई हमारे हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर अबाउट अस में हम ये देख देते हैं अबाउट अस. इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो टेक्स्ट है मैं वो चेंज कर रही हूँ. यहाँ पे फॉर सपोज मैं दे देती हूँ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. ओके, मैंने यहाँ पर दे दी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन. इसमें मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक वो ले लेती हूँ मैसेज बॉक्स को शो करा देती हूँ. तो मैसेज डायलॉग यहाँ पर मैं रन करवा देती हूँ और यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ. सही है, 0300. यहाँ पे मैंने इसको अपना मैसेज बॉक्स का वो दे दिया. देखो मैंने इन एक्चुअल किया क्या है, अबाउट अस में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी. सही है, एग्जिट में यहाँ पे न्यू तो कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं दी. एग्जिट से एग्जिट हो जाएगा.